बाबा साहब अंबेडकर जी के चार चार बच्चे कुर्बान हो गए और बाबा साहब अंबेडकर जी ने अब क्या आपको यही शिक्षा दी है कि आप ढोकर के लेके आओ आपकी वाहवाही होगी। ऐसे ना जाने कितने वाकये आते हैं कि दलित समाज के लोग कावड़ लेने जाते हैं और उनके गांव में जो मंदिर होता है उस मंदिर में दलित की कावड़ को चढ़ाने नहीं दिया जाता, उस मंदिर में दलित को घुसने नहीं दिया जाता। तो भाई क्यों टुकटेर बने घूम रहे हो आप? आपका रास्ता शिक्षा की तरफ है, विद्यालयों की तरफ है। आपके सभी समस्याओं का हल संसद भवन में जाकर होगा, ध्यान रखना मेरी बात को। और जितने भी ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं, रिक्शा वालों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, कार वालों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं धर्म के नाम पर, ए योगी आदित्यनाथ जी, ये सब किया हुआ कबाड़ा तुम्हारा है। यदि तुम ये भेदभाव ना फैलाते, ओ बीजेपी वालों, यदि तुम ये भेदभाव ना फैलाते तो इतना हंगामा नहीं बरप रहा होता, इतना हंगामा नहीं कट रहा होता। और ये उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है भाई, यूपी में, यूपी से बाहर निकलो और करके दिखाओ, पता लग जाएगा तुम्हारा आटे दाने का भाव क्या है। तुम्हारे घर में चार दाने को खाने नहीं होंगे और तुम दूसरे गरीब आदमी के रिक्शा को तोड़ रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, क्या भोले बाबा ने तुम्हें यही कहा है कि तुम किसी गरीब की रोजी रोटी को छीन लो, उसको तोड़ दो? क्या यही शिक्षा दी है तुमको? यही सिखाया है क्या? बताओ मुझे, कौन से धर्म में लिखा है बताओ मुझे? कोई जवाब हो तो जवाब दे देना। और इन सबके बीच में बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, ये भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर स्पष्ट कर देते हैं, इन सब के बीच में कुछ उपद्रवी हैं जो बीजेपी आरएसएस के द्वारा छोड़े गए हैं। मेरे सारे कांवड़िए भाई गलत नहीं है, मैं उनकी आस्था का सम्मान करता हूं। नवाब सतपाल तंवर उनके धर्म का सम्मान करता है, नवाब सतपाल तंवर उनकी आस्था का सम्मान करता है, नवाब सतपाल तंवर उनके देवताओं का सम्मान करता है। लेकिन नसीहत भी देता है, देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, कावड़ के नाम पर किसी गरीब के पेट पर लात मारना बंद करो, दूसरे धर्म के लोगों को सताना बंद करो, उनको अस्पताल भेजना बंद करो, उनकी रिक्शाओं को गाड़ियों को तोड़ना बंद करो। यह किसी धर्म ने नहीं सिखाया, किसी देवता ने नहीं बताया कि तुम लोग ऐसे करोगे। लेकिन ये बीजेपी वालों की दाल इन्हीं चीजों से गलती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2027 में चुनाव है और बाबा जी परेशान है, आ रहा है अपने पुराने अंदाज में आ रहा है बाबा। कोई बात नहीं बाबा जी, आओ आप पुराने अंदाज में आओ, ये उत्तर प्रदेश की जनता याद रखेगी कि कैसे तुमने ऐसा कोहराम मचाया है। पूरे देश भर में तुमने सिर्फ कांवड़ियों को ही नीचा नहीं दिखाया, ए बाबा जी, तुमने सिर्फ कांवड़ियों को ही नीचा नहीं दिखाया है, ये सब करके तुमने सिर्फ बीजेपी की हार के रास्ते ही नहीं खोले, अपितु तुमने अपने धर्म का अपमान किया है, तुमने भोलों का अपमान किया है, उन भोले लोगों का अपमान किया है जो कांवड़िए कांवड़ ला रहे हैं, आपने मां गंगा का अपमान किया है, आपने हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया है। और यूपी का हिंदू, उत्तर प्रदेश का हिंदू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि योगी जी आप इतनी गिरी हुई हरकत तक भी आ सकते हैं क्या। और देश का हिंदू सनातन धर्म का व्यक्ति कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी आप अपने लालच में अपने धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हो, कभी माफी नहीं मिलेगी आपको। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान और भीम सेना जिंदाबाद।